क्या मैं तुमको नजर आ रहा हूँ? फिर ठीक है, क्योंकि आजकल कुछ लोगों को सिर्फ कंगना ही नजर आ रही है। कंगना का घर, कंगना का ऑफिस, कंगना का बयान, मतलब जिंदगी सिमट के कंगना हो गई है। और जनता का यही कहना है कि कंगना तेरा नहीं, सानू करिए यार। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शेरनी के बारे में जो अपने आप में क्वीन है और जिसका लेखा जोखा बिल्कुल क्लीन है। तो खोपचे में बैठ जाओ, मन करे तो लेट जाओ और देखते जाओ इस वीडियो को। और अगर आप कंगना के सपोर्टर हो तो इस सब्सक्राइब बटन को संजय राउत समझो या फिर नेपोटिज्म, ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो। और तुझे क्या बार बार बोलना पड़ेगा इंट्रो लेकर आ बेटा, ये जनता इनको तुरंत सर्विस चाहिए होती है। ला रहा है हा? एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़ के और कुछ नहीं होता, और आप सब्सक्राइबर हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। कंगना रनौत ये कोई नाम नहीं है बल्कि मिसाइल का वो बटन है जो दब गया तो समझो सामने वाला तो गया। और दूसरी तरफ पालघर और सुशांत सिंह के केस में लापरवाही का ही नतीजा है कि अब जनता भी कहने लगी है ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो कंगना और शिवसेना के बीच में ये जो जंग चल रही है इसकी शुरुआत हुई कंगना के ट्वीट से। एक तो ये ट्विटर ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे हर कोई टट्टी कर देता है और दूसरे उसकी समेटने में लग जाते हैं। अब भले ही आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हरामखोर नहीं देखी होगी, लेकिन ट्वीट के बाद में चाचा जी का ये बयान जरूर देखा होगा। रिस्पेक्ट है क्या आप, क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? अब मुझे तो यही पता था कि जो कई मोरों को नचा दे वो हरामखोर, समझ रहे हो ना? लेकिन चाचा जी ने इसकी एक अलग ही डेफिनेशन बना दी। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। हमारे यहाँ तो आप क्या बोल रहे थे, नॉटी या बेईमान? दोनों है, नॉटी, देखो वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से। तो जितना ये चाचा जी नॉटी नॉटी कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने किसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। कुछ भी मत बजा कर, ये फैमिली शो है और वो बिना बजाए समझ गए थे ना? तो समझ जाओ कि तुम बड़े हो गए हो और जाके अपने मम्मी पापा से कह दो मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। यार मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है कि क्या, मतलब कंगना के ऑफिस में इतनी तेजी से एक्शन ले लिया मानो इनकी चड्डी में किसी ने चूहा छोड़ दिया। और पाल घर के साधुओं की हत्या हुए 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन उस मैटर में इनका चूहा अभी भी सोया हुआ है। और भाई बीएमसी वालों, मन कर रहा है तुम्हारे बीएमसी में से बी हटा दूं, क्योंकि आजकल तुम्हारे कांड कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। भिंडी बाजार में दाऊद इब्राहिम का इनलीगल कंस्ट्रक्शन तुमसे तोड़ा नहीं जा रहा, और कंगना के केस में तुम ऐसे भागे जा रहे हो मानो तुम्हारा ओलंपिक छूट रहा हो। अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ कि क्या शिवसेना ने तुम्हारे सिर के ऊपर प्रेशर कुकर रख के रखा है, या फिर उसी प्रेशर कुकर की सीटी को दाऊद भैया ने बांध के रखा है? तो फाइनली कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया गया और उसमें बीएमसी वालों ने इतनी तेजी से एक्शन लिया कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भाई ये वही बीएमसी वाले हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि शहर में बाढ़ आई हुई है, जिन्हें यही पता नहीं होता कि शहर में ट्रैफिक जाम है, मतलब इतना ट्रैफिक जाम है कि दिल्ली के बाद में तुम्हारा ही नाम आता है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि एसएसआर के केस से हमको भटकाने की एक साजिश है, क्योंकि रिया के केस में ड्रग एंगल लेकर आ गए, उसे अंदर कर दिया, और अब ये शिवसेना कंगना का मुद्दा उठाए बैठी हुई है। लेकिन एसएसआर कहाँ है भाई? तो ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों को समर्पित है जो कंगना पे वीडियो चाह रहे थे। तो वीडियो आ चुका है भाई, अब जिम्मेदारी तुम लोगों की है कि इस वीडियो को शेयर किया जाए। तो इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, हंसते रहो हंसाते रहो और हंसते रहो देखते रहो हसले इंदौर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड।